हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें पता करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स हैं। याद रखिए, इन स्टेटमेंट्स को हम टेबल की हेल्प से प्रूव करेंगे जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 185 पे गिवन है, या हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि ये टेबल को आप इजीली नोटबुक पे कैसे बना सकते हैं। तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर हम इन 5 स्टेटमेंट्स का क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें प्रूव करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। सो इसमें हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, साइन 60 प्लस 30, दैट इज साइन 90। टेबल में साइन 90 की वैल्यू क्या थी, 1। सो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा, 1। देन राइट साइड पे भी हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन रहा है राइट साइड पे, साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है और साइन 30 की 1/2। सो अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 का आंसर आता है अंडर रूट 3 प्लस 1/2, और ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आता है। सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है। चाहे हम ए की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं, 45, 15, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर हमारे पास सेम कभी नहीं आता है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन की सारी वैल्यूज को लिख देंगे। सबसे पहले साइन 0, देन साइन 30, देन साइन 45, देन साइन 60 एंड साइन 90। देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आ रही है। तो देखिए, ये 0 से आगे वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करके क्या बन गई, 0.5। आगे साइन 45 में और इंक्रीज कर रही है, साइन 60 में और इंक्रीज कर रही है, और साइन 90 में एंड में जाके क्या हो रही है, 1। सो देखो, जब हम थीटा दैट इज डिग्री की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारे पास साइन का जो आंसर आ रहा है वो भी 0 से इंक्रीज करके क्या बनता जा रहा है, 1 बनता जा रहा है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमें पता करना है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कॉस की सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर देंगे। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। देखिए, कॉस 0 का आंसर क्या है, 1। कॉस 30 का आंसर क्या गिवन है, अंडर रूट 3/2। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, 0.87। तो देखो, वैल्यू 1 से क्या होगी, डिक्रीज, आगे जाते जाते और डिक्रीज होके कॉस 90 पे जाके वैल्यू क्या होगी, 0। सो कभी भी हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, हमारे पास जो कॉस थीटा का आंसर आता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आप टेबल को ध्यान से नोटिस करोगे, देखिए वहां पे साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, बट कॉस 30 की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 3/2। तो ये सेम एंगल के लिए जो आंसर साइन और कोसाइन का आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आखिरी स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। टेबल में हमने किया था, कॉट का आंसर कैसे आता है, कॉस बाय साइन के। तो कॉस 0 बाय हम क्या कर देंगे, यहाँ पे साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 0 की वैल्यू 0। सो 1 के नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे 0। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी क्या आ जाता है, 0, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। वी होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।